पता है कि वो उसके घर वाले सभी लोग हैं, संस्कारों को बहुत माने। अब होता क्या है कि आज जो हम स्टोरी कर रहे हैं उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चे यानी कि प्रीत और राहुल वो हमें घर से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो गए हैं, तो हमें गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो हमें निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम सोचते हैं हम कैसे बचें, कैसे हमको वो घर से ना निकालें। तो उनको खुश करने के लिए, उनको ये जताने के लिए कि हम भी आजकल के ज़माने के हैं, तो अपना पहनावा बदल लेते हैं, अपनी ड्रेसिंग बदल लेते हैं, अपना स्टाइल बदल लेते हैं, अपने जो संस्कार आज तक चल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो वो अपने दास हो चुके हैं। वो तो उनको ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कभी अपने पिता को, राहुल ने कभी अपने पिता को, अटल को ऐसे कभी देखा नहीं इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में, इस तरह की ड्रेस में और इस रूप में, इस वेशभूषा में। तो वो देख करके थोड़ा सा चौंक गए। तो उसको होता है ना कि आदमी एकदम झटका लगता है, तो उनको थोड़ी बेहोशी सी छा गई, लेकिन ठीक हो जाता है। अच्छा सर, तो ये अगर हम है। लोगों की बात करें तो आप कई बार आपके साथ बहुत घुमाते हैं, कोई ऐसे चीज़ को मतलब आप किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे करने के बाद क्या आप वहाँ जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब राहुल का जो कैरेक्टर है वो है ही ऐसा कि राहुल कुछ करना चाहता है नए ज़माने के हिसाब से, जो लेकिन अब उसके जो पिता हैं यानी कि मैं अटल शास्त्री, उनकी थिंकिंग अलग है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके हिसाब से चले, उनके ज़माने के जो तौर तरीके हैं वैसे अपनाएं। तो ये टकराव है, तो वो हमेशा घुमाता है मुझे, लेकिन फाइनली होता क्या है कि मुझे उसकी बात समझ में आती है कि हाँ ये लड़का जो कर रहा है सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। तो अक्सर होता ये कि बाप और बेटे की जंग में बेटे की जीत होती है, उसकी जो सोच है उससे मैं भी कन्विंस होता हूँ कि नहीं, मेरी सोच जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, आजकल की सोच के हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए। बहुत बढ़िया, हम लोग ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। कोई ऐसा किसी प्रकार की कोई मन मुटाव या ऐसा कुछ भी नहीं है। हंसते खेलते काम हो रहा है, जिस तरह की कॉमेडी आप स्क्रीन पर देखते हैं वैसी हंसते बोलते काम करते हैं। देखिए कंपटीशन तो आजकल ज़माने हर चीज़ में है, ज़माने में किसी भी चीज़ में चल देख लें, आप शोज़ में देख लें, किसी और फील्ड में देख लें, तो कंपटीशन से डर के तो काम करने वाला हम लोग हैं नहीं। और जितना मालूम है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट है, हमारे जो राइटर्स जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और उसमें हास्य का यानी कॉमेडी का बहुत इनपुट डाल रहे हैं अपने राइटिंग लेवल पर। और